से पता है कि कुछ लोग पैसा उगाही करते हैं, चंदा उगाही करते हैं, तो अभ्यर्थी लोग कृपा करके ऐसे लोगों से बच के रहें क्योंकि अपने पैर को कुल्हाड़ी मारे पैसा डूबेगा। जितना भी वो लोग मतलब मचा लें, जितना भी वो लोग कुछ कह लें, वो कोसों दूर हैं, उनका कभी चयन नहीं होने वाला है, क्वालिफाइंग नेचर है। उस परीक्षा से हम लोगों ने सबको पास कर दिया, किसी को तकलीफ नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को तकलीफ है। और जिन लोगों को तकलीफ है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम कोई परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में हम किसी को फेल नहीं करते तो किसी को क्या तकलीफ है। जब उस परीक्षा से हम लोग में उस परीक्षा से उसका मेरिट भी नहीं बनना था, तो क्वालिफाइंग नेचर था। उस परीक्षा से हम लोगों ने सबको पास कर दिया, किसी को तकलीफ नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को तकलीफ है। और जिन लोगों को तकलीफ है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, उन लोगों का वो सफल नहीं होने वाला है, कोसों दूर है कट ऑफ से। जितना भी वो लोग मतलब मचा लें, जितना भी वो लोग कुछ कह लें, वो कोसों दूर हैं, उनका कभी चयन नहीं होने वाला है। और हम लोगों ने सबको पास कर दिया, इसमें क्यों तकलीफ होगी किसी को। फिर भी कुछ लोगों को तकलीफ है, तो उसमें कोई उससे बस इतना ही मुझे कहना है कि ऐसे गुमराह करने वालों में आकर के कोई, मुझे पता है कि कुछ लोग पैसा उगाही करते हैं, चंदा उगाही करते हैं, तो अभ्यर्थी लोग कृपा करके ऐसे लोगों से बच के रहें क्योंकि अपने पैर को कुल्हाड़ी मारें पैसा डूबेगा। ये सर 18 केंद्र किस जिले के थे? 15 जिले थे। 15 जिले, 15 जिले में उठा क्या शोकज किया गया है केंद्राधीक्षक पर? हाँ, TRA 2 हम लोगों ने शिक्षा विभाग को भेज दिया शिक्षा विभाग का कार्य, क्योंकि ये तो प्रशासनिक कार्रवाई का दायरा आ जाता है ना। हमारे गाइडलाइन हमारे प्रोटोकॉल को उन्होंने पालन नहीं किया, इसलिए उन लोग अब कार्रवाई। ये समाचार ऑलरेडी आ चुका है, ये समाचार आ चुका है, लेकिन ये गफलत करके लिखा हुआ है जो कि सही है जयशंकर जी, लेकिन इसको लोग जो इसको पेपर लीक और इस तरह की जो अनावश्यक जो करने लग रहे हैं, लोग उसको रंग दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। अनावश्यक इस तरह से रंग देने से पता नहीं।